फोटोग्राफर यूनियन की ओर से प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन। देश में कोरोना वायरस के तहत किए गए लॉकडाउन में सभी शहरवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और वहीं दूसरी ओर अजमेर शहर में फोटोग्राफर पर भी इसका असर देखने को मिला। अजमेर के फोटोग्राफर यूनियन की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी शहर के जर्नलिस्ट फोटोग्राफर को सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाना, हर एक फोटोग्राफर के खाते में 5,000 रुपए डालने की गुहार लगाई गई। नितिन सिंह ने कहा कि देश में अभी चौथा लॉकडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन शादी पार्टियों में फोटोग्राफर का जाना अलाउड नहीं है। ऐसे में फोटोग्राफर पर एक बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। इन समस्याओं के लिए फोटोग्राफर यूनियन की ओर से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। फोटोग्राफर ने मांग की है कि जल्द से जल्द सरकार इनकी ओर ध्यान दे, आगे इनके साथ क्या होगा यह तो पता नहीं। सभी फोटोग्राफर ने राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द कोई ना कोई हल निकाला जाए। पूर्व में भी हमारे द्वारा कई बार प्रशासन को चेताया गया था कि साहब हम लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है, आर्थिक समस्या उत्पन्न हो रही है, और जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, ऐसी स्थिति में एक फ़ोटोग्राफ़र को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आर्थिक तौर पर उसको परिवार को पालना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। हमारी सरकार को कई बार चेताया गया आप लोगों के माध्यम से, आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी आप लोगों के माध्यम से, जिसमें हमारा ये कहना है कि जो सरकार है, सरकार को हमें खाद्य सुरक्षा जो योजना है इनके अंतर्गत हमें जोड़ा जाए, और एक फ़ोटोग्राफ़र जो भाई है, वीडियोग्राफ़र भाई है, इनके महंगे महंगे पार्ट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, ये काफ़ी दिनों से रोज़गार बंद है, इसलिए सब कुछ जो केमिकल है सब कुछ ख़राब हो रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत ही बुरे हालात से फ़ोटोग्राफर को गुजरना पड़ रहा है। हमारा सरकार से ये कहना है कि जैसा भी हो फोटोग्राफ़र वीडियोग्राफ़र की सहायता करें, मदद करें, और जो आर्थिक पैकेज जैसा भी फोटोग्राफ़र को मिल सके वैसा हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि सर फोटोग्राफर की ओर अपना ध्यान आकर्षित करें। नितिन सिंह, पूर्व में हमारे द्वारा जो माननीय कलेक्टर साहब हैं उनको ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री जी के लिए, और इस संदर्भ में कई विधायक हैं जिनको भी हमने ज्ञापन दिया, उनके थ्रू हमारी जो है मांग मुख्यमंत्री जी तक गई है। अभी तक हमें कोई भी जवाब नहीं मिला, संतुष्ट पूर्वक कोई भी उत्तर नहीं मिला है। बस अब पता, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आप लोगों के माध्यम से, आगे क्या निर्णय रहता है हमें नहीं पता। नितिन सिंह।